हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है इवनिंग से, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड जी के साथ कुछ बनाने जा रही हूं। तो आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ साथ में कुक करने वाले हैं। और वो कहां पे करने वाले हैं? अपने रूम पे ही कुक करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे रूम पे कैसे कुक करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक नया किचन के लिए एक नया कुकर लिया है, जो कि है गीक ब्रांड का रोबो कुक स्मार्ट किचन असिस्टेंट। तो ये आप इसको स्मार्ट कुकर बोल सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका बॉक्स, जो कि आउटर कवर है, इसका आउटर बॉक्स है। और कैसे कुकिंग होती है, क्या क्या होता है, वो सारी बातें आज मैं और वर्मा जी आपको साथ में मिलकर बताने वाले हैं। तो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बना के खीर। खीर बनाने वाले हैं आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में। वैसे तो बुलबुल हमेशा उसको गैस पे बनाती है, लेकिन आज एक चीज है हमारे पास में, जो कि है रोबो कुक। मतलब कि ये रोबो इसलिए क्योंकि इस ये जो है मतलब इसको एक रोबोट की तरह उन्होंने बोला है कि ये रोबोट के जैसे काम करता है। एंड ये स्मार्ट किचन अप्लायंसेस है। तो ये आपका अप्लायंसेस नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स दिस इज दैट स्मार्ट दैट आपका ये असिस्टेंट बन सकता है। बहुत स्मार्ट है। इसमें ये वाले ऑप्शंस हैं, यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इडली सौते। तो बनाते हैं ना, तो साथ में बताते जाएंगे। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इडली सौते, पोंगल, सांभर, डीले टाइमर एंड पुलाव, एंड डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो फिश एंड चिकन भी है। तो इसमें इसके साथ में बुकलेट आती है और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे इसको बनाना है। और वही देख के आज मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए खीर। तो खीर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट जो हैं रख लिए हैं। ये मैंने राइस जो है वॉश करके रख लिया है, यहाँ पे मखाना कट कर लिया, शुगर ले ली है, इसमें है इलायची, इधर है देसी घी, और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि हम बाद में अपनी खीर पे डालेंगे। तो जब भी कोई नया हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत मीठा बना के करते हैं। मीठा बना तो अभी तो हमारे घर में एक नया मेहमान है, दैट इज रोबो कुक। तो आज हम लोग मीठे से शुरुआत करेंगे। इस कुकर का उद्घाटन हम लोग जो करने जा रहे हैं वो स्वीट डिश करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करें। श्योर। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे देसी घी, स्पैटुला और तो इस कुकर के साथ अंदर हमको ये एक पॉट मिलता है जो कि 5 लीटर का है। और इसमें हमको ये ग्लव्स भी दिए हुए हैं, मतलब जब ये गर्म होता है तो आप इसको सिलिकॉन ऐसे करके आप उठा सकते हैं अपने पॉट को। साथ में एक स्पैटुला दिया हुआ है और एक मेजर करने के लिए ये कप भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें इसके साथ मिली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको अभी हमने ये इसका तार यहाँ पे लगाया हुआ है पीछे, एंड देन ये यहाँ पे, एंड देन ये ऑन है ऑलरेडी, ऑन वाले उसमें आ जाता है। देन प्रेस इट वंस एंड ये इसमें 0-0-0 आ गया, एंड देन प्रेस सौते। तो जब आप सौते लगाते हो तो 30 मिनट्स का टाइमर आता है, तो यू दैट कम्स बाय डिफॉल्ट। तो आप अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट दैट इज ऑफ 30 मिनट्स ओनली। ठीक है, तो फिर से हम सौते प्रेस कर देंगे। तो अभी हो गया, फिर उसके बाद में हम क्या डालेंगे, घी डालेंगे इसमें, देसी घी। तो यहाँ पे देसी घी हम लोगों ने डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी राइस, और राइस को हमें अच्छे से चलाते रहना है। घी एकदम गर्म हो गया, बट वो बहुत जितना सौते में जरूरत होती है, मतलब मीडियम फ्लेम पे जितनी जरूरत होती है बस वो उतना ही गर्म होगा, क्योंकि ये स्मार्ट है और इसमें मतलब ये दिस हैंडलिंग दिस वेरी स्मार्टली। तो जो आपको करना है इसमें, आपको इसको सौते करना है। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है अभी से ही। तो थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही करेंगे। और भी जब हम लोग खाना बनाते हैं तो किचन में कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन ये स्मार्ट कुकर होने की वजह से आप इसको अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, या फिर आप कहीं भी एयर में बैक करके आराम से अपने खाने को बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि आपको गर्मी नहीं लगेगी।
जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भून लिए हैं हल्का सा घी डाल करके। अब मैं इसमें भुने हुए चावल भी डाल दूंगी। अब ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें हमें दूध डालना है। तो अभी हम लोगों ने इसमें सब चीज़ डाल दिया है और देसी घी में इसको भून लिया है। अब बस इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप डालना है अपना मिल्क। यार देखे इतनी अच्छी लग रही है। तो मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है, अब मैं इसमें लगाऊंगी सीटी और इसमें विसल आएगी और हमारी यम्मी यम्मी सी खीर जो है वो बन जाएगी। तो चलिए सीटी लगाते हैं। अगर आपने चौथे बटन लगाया तो 30 मिनट्स का जो ऑटोमेटिक टाइमर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है आपका। और अगर आपको बीच में कभी भी कैंसिल करने की ज़रूरत पड़े, आपने खोल के देखा है जो ओवर कुकड और समथिंग लाइक दैट, तो आप इसको कैंसिल बटन भी प्रेस कर सकते हो, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और एक बार जब हो गया तो इसको आप कुकर का ढक्कन आप लगा दीजिए। तो कुकर का ढक्कन लगाने के लिए यहाँ पे आपको सेटिंग दी हुई है, तो ठीक है, इसका कुकर का आप ढक्कन बंद कर दीजिए। और यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है और फिर आप ऐसे आप क्लोज कर सकते हैं इसको। एंड देन वहाँ पे सीटी है, आप सीटी को चाहें तो मतलब आप ऑन कर, यहाँ से ऐसे इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। देखिए जब आप इसको ऐसे करके दबाते हैं तो यहाँ से जो ये सीटी है, तो यहाँ पे सीटी को कंट्रोल करने के लिए, अगर जैसे सीटी ये आपकी सीटी है और जब आप इसको आगे से ऐसे आगे प्रेस करते हो तो ये सीटी उड़ जाती है और आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। और अगर आप रिलीज़ नहीं करना है प्रेशर तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब तक खाना बनता है, मतलब जब तक खीर बनती है, तब तक हम थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। बुलबुल को भी मैंने एक चीज़ लेने के लिए भेजा है और तो मैं वो आ गई आपकी है पेट पूजा करने के लिए। क्या बात है, सुन रही थी क्या तुम? ओके आ जाओ यार। तो तब तक हम लोग ढोकला एंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आप नहीं चाहें, मतलब तो उसको आप ऐसे भी रिलीज कर सकते हैं, तो ऐसे रिलीज हो रही है ना सिटी। दिस इज हैपनिंग लाइक दिस। लगाओ। वाओ यार यम्मी, क्या बढ़िया बन। तो यहाँ हमारी खीर जो है वो पक चुकी है, अब मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी ये पूरा डाल दो इसकी गिरी ये तो। और ये है कोकोनट जो कि मैंने ग्रेट किया था, ये भी डाल देते हैं। और लास्ट में जो बची है किशमिश, ये भी डाल देते हैं। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसको दूसरे बाउल में निकाल लिया है भगोने में, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ इलायची और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, टेस्टी सी। तो हमारी खीर जो है वो बन चुकी है, आपने देखा कि मैंने किस तरह से ये खीर बनाया है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने से। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ और फिर सर्व करते हैं मम्मी पापा को, सब लोगों को देते हैं इसे खाने के लिए और देखते हैं कि कैसी लगी सबको। तो यहाँ पे वर्मा जी ने मैगी भी बना ली है इसी रोबो कुक में, तो चलिए मम्मी को देते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा। देखिए मम्मी क्या बताइए। पापा जी कैसा बना है? बहुत बढ़िया। बढ़िया खीर बढ़िया बनी है? बहुत बढ़िया। अच्छा मम्मी अभी बात कर लें फिर पूछते हैं। तो मैंने तो अपनी मैगी खा ली है, काफ़ी टेस्टी यम्मी सी मैगी बनाई थी वर्मा जी ने, वैसे वो अच्छा बना ही लेते हैं आप लोग को पता है। और अब हम लोग जा रहे हैं खीर खाने, मैं पीहू और डैडी। तो बस इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और खीर अच्छी बनी, सबको अच्छी लगी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।